वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास टेंथ मैथमेटिक्स फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम का है। 100% करेक्ट आंसर है, 100% यही आपका पेपर में आने वाला है। आप लोग पेपर देख लीजिए, वायरल क्वेश्चन पेपर है। लेकिन सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका करेक्ट एकदम दे रहे हैं, 100% यही पेपर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है ना। तो देखकर आप लोग फटाफट छाप दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या जो मतलब किसी से ना कटे, जिसका मतलब सिर्फ एक और स्वयं से कटे। तो इसमें देखिए 29, 3, 87, 13, 97, 94 सब कट जाता है, इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा आपका सवाल है इनमें कौन सा संख्या ना भाज है ना अभाज है। तो भाज भी नहीं है, अभाज भी नहीं, तो दू का ए हो जाएगा। तीसरा है कि यदि भाग लेमा में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या होगा, तो बी जो होगा ना बी को हम क्या कहते हैं, भाज बराबर भाजक, भाजक कहते हैं, आपका सी हो जाएगा। चार है कि भाग लेमा में ए बराबर बी क्यू बराबर जीरो तब होगा जब बी छोटा हो ए से, यहाँ पे ए हो जाएगा। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। पाँच में 200 के अभाज्य गुणन घटता है, 200 देखिए यहाँ है, यहाँ दो से कटा लेंगे, दो से 100 बार में, दो से 50 बार में और फिर दो से 25 बार में। तो यहाँ पे दो कितने आए हैं टोटल, तीन गो, तो तीन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। पाँच का भी छः है, इनमें से कौन सा सौ अभाज्य युग्म में, सौ अभाज्य युग्म, तो जिसका एचसीएफ एक होता है वह सौ अभाज्य होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, इसमें दो एचसीएफ आएगा, इसमें पाँच आएगा, इसमें सात आएगा। तो इसलिए आपका डी इज राइट आंसर। सात में है कि इनमें कौन सा युग्म में जुड़वा अभाज है, जुड़वा अभाज यानी दो लगातार अभाज को जुड़वा अभाज कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सात का ए हो जाएगा। आठ नंबर आपका सवाल है कि वाई के पावर पाँच में वाई स्क्वायर से भाग करेंगे। तो देखो अभी सिर्फ पावर घटा दीजिए, यहाँ पाँच गो है ना, इसमें दो गो है, तो पाँच में से दो घटे तीन आ जाएगा, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद पी एक्स का 104 है, तो एक्स का गुणन घट, एक शून्य एक्स का कितना है 4, तो इधर आएगा तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस 4, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दस नंबर सवाल आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x6 के शून्य को का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, जिसका सूत्र आपका होता है C/A और C की जगह पर 6 है, तो 6 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 का भी सभी लोग सेशन को प्लीज़ लाइक करें, 100% करेक्ट आंसर की है। रैखिक बहुपद कितने शून्य का, तो रैखिक बहुपद के एक होते हैं, यहाँ पे एक हो जाएगा। और 12 नंबर है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक शून्य माइनस 3 है, तो के का मान, तो 3 रखिएगा एक्स की जगह पर, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ रखिएगा तो प्लस 9 के हो जाएगा, माइनस 42 इक्वल टू 0 हो जाइएगा। और इसका आगे 42 में से 9 घटाइएगा तो एक 32 होता है, 33 होता है, 33 उधर जाके प्लस 33 हो जाएगा, तो 9k इक्वल टू 33 हो जाएगा। और 3 से 3 बार में, 3 से 11 बार में, और इस तरह से कि आपका आ जाएगा 11/3। और 11/3 आपका देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस प्लस 3k, सॉरी यहाँ 3k होगा ना, और 3 से 11 बार में, 11 ऑप्शन आएगा। 12 का सी, 13 है 2x² - 4x - 6 का शून्यक है, तो यहाँ पे भी आप शून्यक निकालेंगे, जो भी मान है ना इस तरह से फैक्टर टू 12 आ रहा है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2x² - 6x और प्लस 2x, 6 में से 2 घटेगा तो 4 होता है, माइनस 6, 2x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस तीन होगा, आप प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3, तो एगो तो 3 आएगा, एगो यहाँ से 2x + 2 हो रहा है, तो यहाँ से आपका x का माइनस 1 होगा, तो बिल्कुल 13 में बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि समीकरण दिया है, एक्सप्रेशन कितने हल संभव है, तो रैखिक समीकरण है और रैखिक के बहुत सारे हल होते हैं, अनगिनत हो जाएगा। 15 है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो सरल रेखा होता है। 16 नंबर है आपका बहुपद का एक शून्यक है, तो इसमें से बहुपद का एक शून्यक तोड़ने पर आपका 6 × 12 आ रहा है ना, और हमको 12 लाना है तोड़ के, तो यहाँ पर तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ना। 17 है कि एक ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी का आलेख कैसा होगा, तो ये द्विघात है तो इसका परवलय होगा। 18 है कि विरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं, तो विरोधी देखिए इसको ऐसे से लाइन होता है और इसके कोई हल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे 18 में सी होगा। 19 है कि वाई बराबर 6 का आलेख कैसा होगा, तो एक अक्ष के समांतर हो जाएगा, 19 में आपका ए बिल्कुल सही है, फटाफट मिला लीजिए। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यही 100% करेक्ट पेपर है। 20 नंबर देखिए, बिंदु 5.8 एक्स अक्ष के लंबिक दूरी है, एक्स अक्ष से लंबिक दूरी वाई का मान होता है, तो 8 हो जाएगा। 21 है कि -4 और 0 मूल बिंदु की दूरी है, तो मूल बिंदु से 4 आपका आएगा, जितना दिया रहता है बस वही आ जाता है। 22 है कि
कि बिंदु 2, -3, 5 के किस चतुर्थांश में, तो पहले प्लस बाद में माइनस, तो पहले प्लस बाद में माइनस जो होता है वो आपका चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। चतुर्थ ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 22 में। 23 है कि 3, -4 मूल बिंदु से कितनी दूरी है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 इसका वर्गमूल कर लेंगे, 16, 9, 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, यहाँ सी हो जाएगा। 24 है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो 0, 0 हो जाएगा। 25 है कि बिंदु दू जो और अनुमान के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करना है तो देखिए पहला और पहला को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, यहाँ पे भी 5 आने वाला है। 26 है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। 27 नंबर है कि 7 सेमी त्रिज्या 90 डिग्री कोण बना, चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई बराबर का सूत्र होता है θ/360 × 2πr, तो यहाँ 2 से 180 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा का मान कितना दिया है 90, तो 90/180 पाई आर, तो आपका पाई के जगह पर 22/7 और आर के जगह पर 7, 7 से 7 कट गया, 90 × 180 या 2 से 11 बार में, तो यहाँ 11 आंसर सही हो जाएगा। 22 में भी 27 में भी। 28 नंबर आपका सवाल है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका 21 सेमी त्रिज्या और 60 डिग्री, तो इसका भी आप सोल्यूशन उसी तरह से सूत्र आपको बता देते हैं, θ/360 × πr², इस पर आप कर लीजिए, 231 आने वाला है। 29 है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है πr², तो आर का मान 5 है तो 25π हो जाएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 30 है कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, परिधि देखिए 2πr होता है और व्यास 2r होता है, तो 2r से 2r कट जाएगा, तो π/1 होगा और पाई का मान 22/7 है, तो 22/7 हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा। 31 है आपका कि 22 किमी दूरी तय करने के लिए एक पहिया 2500 लगाना पड़ा, तो पहिया कितना त्रिज्या है, तो इसका सलूशन कीजिएगा, आपका है ना तो 14 cm आ जाएगा। 32 है कि एक पहिए का व्यास 7 cm है, तो एक चक्कर पहिया कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको एक चक्कर के लिए आपको 2πr लगाना होगा सूत्र, तो 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7 और आर देखिए यहाँ पे ना आपका व्यास दिया है, तो 7/2 करना होगा, तो 2 से 2 कटेगा, 7 से 22 लगाएगा, तो आप यहाँ पे आपका 22 हो जाएगा। 32 में बी 33 है, 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया है तो उनकी त्रिज्या, तो जो अनुपात दिया वही हो जाता है, 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और परिधि जो होता है 2πr, तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, था आर बराबर 2 आता है और आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 35 में कि किसका मान 1 के बराबर था, साइन 10 50 10 40 cos 45 10 40 इस तरह से दिया है, किसका मान 1 से अधिक है, तो 10 50 का हो जाएगा, ठीक है। 36 है कि इनमें से किसका मान सबसे कम है, तो cos 90 क्योंकि 0 होता है। 37 है आपका कि इनमें किसका मान सबसे अधिक है, तो 10 45 1 होता है, बाकी सब में कम है, 1/√2 कोई √2 होता है। 38 का हो रहा है कि थीटा 30 होता है, 2 cos 2θ, तो 2 cos यहाँ पे 60 हो जाएगा, और 60 का जो मान होता है ना, cos 60 का मान 1/2 होता है, और कटने के बाद 1 आपका आ जाएगा, 38 का 1 हो जाएगा। किसका मान 0 है, तो साइन 0 0 होता है, cos 90 भी 0 होता है, cot 90 भी 0 होता है, इनमें सभी हो जाएगा यहाँ पे। 40 है साइन 60 का मान किसके बराबर, साइन 60 जो होता है आपका समझ रहे हैं कि √3/2 होता है, और cos 30 का भी √3/2 होता है, यहाँ पे सी हो जाएगा। 41 है साइन 90 और 10 2/5, साइन 90 1 और 10 45 1 1 1 2 हो जाएगा। और 42 जो है साइन 60 और कॉस 60, तो साइन 60 का मान जो होता है √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, कॉस 60 जो होता है 1/2 यानी 1/4 4/4 कट के 1 हो जाएगा, तो 42 का ए हो जाएगा। सभी लोग सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें। साइन ए का व्युत्क्रम कौन सा था, साइन ए का इसमें तो कोई नहीं, क्योंकि साइन ए का आपने पढ़ा होगा, कॉस ए होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। कर्ण और आधार के अनुपात, कर्ण और आधार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो सेक थीटा कहते हैं, सेक आपका सी हो जाएगा। 45 है इनमें कौन सदा समरूप होता है, तो सदा समरूप वृत्त होता है। 46 जो है कि इनमें कौन सा सदा समरूप नहीं है, तो त्रिभुज हो जाएगा आपका, 46 का है। 47 है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहलाता है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, तो इसमें आपका हो जाएगा ए थेल्स पर में। और 48 है कि नहीं, 2 भुजाओं के समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है ना, तो आपका 48 में सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हमने 27 जुलाई को 100% करेक्ट आंसर की दिया हूँ, मैथ का है ना, आपका पूरा का पूरा लड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ योर लक, फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।